वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी विल मूव ऑन अनदर टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट नंबर सेवेंथ डोमेस्टिक टेरिटरी इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में कि किस तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर करी गई है नेशनल इनकम्स के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर और डोमेस्टिक टेरिटरी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है सो so, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है कि द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ऑफ ए नेशन इज़ टू बी टेरिटरी लाइंग विद इन द पोलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ ए कंट्री अगर एक डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाए नेशन की तो एक वो टेरिटरी एक वो जगह है जो पोलिटिकल फ्रंटायर्स यानी कि बाउंड्रीज के को इंक्लूड करता है ऐसी ट्री जो पॉलिटिकल फ्रंटायर्स पॉलिटिकल थिंग्स को इंक्लूड करता है जैसे uh, यहाँ पे बाउंड्रीज हो गया जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो गया एरियाज uh, ऐसे एरियाज जो वाटर को भी इंक्लूड करते हैं ऐसे एरियाज जो कंट्री uh, के यहाँ पे जितना भी फ्लो है पूरा उसको इंक्लूड करता है इस चीज़ को हम यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं एक तरीके से वो प्लेस जो कंट्री की पॉलिटिकल लाइन के अंदर आता है पॉलिटिकल लाइन को इंक्लूड करता है इस नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी अगर इसकी बात की जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक वो चीज़ होती है जहाँ से हम फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर तो दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक बाउंड्रीज दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ ए कंट्री लेकिन अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात की जाए तो इसका एक वाइडर सेंस निकलता है एक बड़ा मीनिंग निकलता है वो हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से इसका प्रॉपरली मीनिंग यहाँ पे इंक्लूड होता है नेशनल इनकम के अंदर तो यहाँ पे नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स ऑफ फॉलोइंग थिंग्स फर्स्ट पॉइंट इज द टेरीटरी लाइंग विथ इन द पोलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरीटोरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि टेरिटरी का जो पोलिटिकल बाउंड्रीज है फ्रंटायर्स यानी कि बाउंड्रीज़ उनको तो इंक्लूड करता है साथ ही साथ टेरिटोरियल वाटर को भी इंक्लूड करता है यहाँ पर कंट्री का जो वाटर है टेरिटरी एरिया के अंदर उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करता है सेकेंड बात है शिप्स एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के जो शिप्स है उनको भी इंक्लूड यहाँ पे करता है जैसे इंडियन शिप्स जापान और कोरिया में रेगुलरली जाती है तो इंडियन शिप्स आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसी एयर इंडिया एयरक्राफ्ट जाते हैं किसी भी कंट्री में अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट दे इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए इंडिया सो इट मे बी नोटेड डेट डोमेस्टिक टेरिटरी डस्ट नॉट रेफर टू एरिया दूसरे एरिया को नहीं इंक्लूड करता लेकिन जो कंट्री की थिंग्स है या कंट्री के पोलिटिकल फ्रंटाइज पोलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो आता है उनको इंक्लूड यहाँ पे करता है फिशिंग वेसल्स यानी कि मछली पकड़ने के टूल्स जो होते हैं ऑयल नेचुरल गैस रिक्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ये सारे जो भी इंडियन रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे किसमें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे फिशिंग बोट्स इंडियन ओशन पर जाती है अलग अलग इंटरनेशनल वाटर्स में जाती है तो यहाँ पर डोमेस्टिक टेरीटरी में इंक्लूड मानी जाएगी वो आ, जो फिशिंग वेसल्स होगी और इसके अंदर ये बात इसमें ध्यान रखी गई है नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो एम्बेसीज होते हैं यहाँ पे या कंसल्ट कंसल्ट टेंट्स होते हैं या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जो कंट्री के वो बाहर होते हैं जैसे इंडिया का एम्बेसी है एम्बेसट्री ऑफिसर यहाँ पे ऑफिस जो है वो यूएसए के अंदर तो यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की domestic territory के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है आ, और जो यूएसए के डोम एम्बेसी इंडिया में है वो यू के डोमेस्टिक टेरीटरी में इंक्लूड होंगे सो एम्बेसी कंसोलेट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये जितने भी है कहीं पे भी लोकेटेड है कंट्री के को लेकर लोकेटेड है कंट्री की थिंग्स को लेकर लोकेटेड है तो यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इंक्लूडेड होंगे यहाँ पे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो इस वीडियो में हमने बात करी डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में और क्या क्या थिंग्स इंक्लूड ये करते हैं उसके बारे में थैंक यू